हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं हूं क्रैकी और मैं वापस आ चुका हूं आप सभी के लिए लेके एक ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ईस्पोर्ट्स इन 5। हम इस शो में नजर मारते हैं वर्ल्ड ऑफ ईस्पोर्ट्स में हो रही सारी चीजों के ऊपर इन जस्ट अंडर 5 मिनट्स। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। बात करते हैं रोस्टर अपडेट्स की, तो मेटल ईस्पोर्ट्स ने अनाउंस किया है अपना वैलोरेंट रोस्टर। इस रोस्टर में हमको खेलते हुए नजर आएंगे बैटमैन, बस्टर, Easy, वैक्सी और साथ साथ रॉसी। इन सभी प्लेयर्स को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। Riot Games ने Valorant मोबाइल की टेस्टिंग की शुरुआत ऑलरेडी चाइना में कर दी है। एक लिंक्डइन पोस्ट के जरिए उन्होंने ये बात की भी कंफर्मेशन कर दी कि वाकई गेम डेवलपमेंट में है। और तो और, कुछ दिन पहले हमको गेम के स्क्रीनशॉट्स, लॉबी लेआउट्स, एजेंट सिलेक्शन स्क्रीन, साथ साथ यूआई के स्क्रीनशॉट्स और भी बहुत कुछ ऑलरेडी लीक होता हुआ देखने को मिला, जिससे ये बात तो बिल्कुल तय है कि उन्होंने चाइना में इस चीज की टेस्टिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विनय सहस्रबुद्धे ने गवर्नमेंट से एक मांग की कि गेमिंग और ईस्पोर्ट्स की तरफ एक होलिस्टिक अप्रोच रखी जाए। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक सेंसिबल ईस्पोर्ट्स इकोसिस्टम के होने से ना सिर्फ जॉब क्रिएशन में इजाफा होगा बल्कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। द एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एसोसिएशन ने हाल ही में कंफर्म किया कि इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट एक्सपो या E3 2022 ऑफिशियली कैंसिल किया गया है। ये गेमिंग एक्सपो वैसे इस साल 2022 में एक वापसी करने वाला था, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने अनाउंस किया फिजिकल हो या डिजिटल, इस साल E3 नहीं होने वाला। पिछले हफ्ते एक स्टेटमेंट भी जारी की गई थी जहां पे ESA ने कैंसिल होने का कारण ऑनगोइंग सेफ्टी कंसर्न्स को बताया था। और इसी स्टेटमेंट में एक हमको इशारा भी देखने को मिला 2023 के शोकेस के बारे में, जिसकी तैयारी अभी से शुरू है। कुछ ही वक्त पहले द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स ऑफ फ्री फायर इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही हैक कर लिए गए हैकर्स के द्वारा। एंड इन सभी ऑफिशियल चैनल्स में हमको इथेरियम से रिलेटेड कंटेंट ब्रॉडकास्ट होते हुए देखने को मिला। फिलहाल के लिए ये चैनल्स रिस्टोर हो चुके हैं, बट ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ हैक हो रहा हो। रिसेंटली स्काई ईस्पोर्ट्स का भी चैनल हैक हुआ था एंड उस पे भी इथेरियम रिलेटेड कंटेंट ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। यूबीसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि रेनबो सिक्स सीज का मोबाइल स्पिन ऑफ रेनबो सिक्स मोबाइल बनने जा रहा है। एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए कंपनी ने यह भी अनाउंस किया कि उन्होंने एक इंडिविजुअल टीम सेटअप की है जो कि पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट पे फोकस करेगी और मेन रेनबो सिक्स सीज की टीम से कोई भी रिसोर्सेज में हेल्प नहीं ली जाएगी। आने वाले कुछ हफ्तों में यूबीसॉफ्ट मॉन्ट्रियल शुरुआत करने वाला है इस गेम की टेस्टिंग की रियल प्लेयर्स के साथ। और साथ साथ अगर आप भी इस लाइव टेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप आज ही जाके प्री रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ अभी जाके, तेरे से तो होगा नहीं। तू रहने दे, कुछ भी वक्त है, आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स की बात करें तो खबर ये है कि पबजी मोबाइल प्लेयर्स बैटल रॉयल मोड नहीं खेलेंगे। ये बात एशियन गेम्स की कमेटी ने एक स्टेटमेंट के जरिए क्लियर की, जहां पे उन्होंने बताया कि एशियन गेम्स में जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रेसिंग और टारगेट शूटिंग जैसे कंटेस्ट खेलेंगे और बैटल रॉयल मोड इस गेम का हिस्सा नहीं होगा। आपके इस बारे में क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओरांगुटान गेमिंग ने हाथ मिला लिया है रूटर के साथ। अब से ओरांगुटान गेमिंग का रूटर ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर होगा। हम उनको इस पार्टनरशिप के लिए ढेर सारी बधाई देते हैं। 3 दिनों के उत्साह भरे प्लेऑफ्स के बाद ऑफ द फर्स्ट गेम्स पेंटाकप WCC3 के हमें चैंपियन देखने को मिले। ये जो ग्रैंड फाइनल्स थे काफी रोमांचक रहे। पूरे बेस्ट ऑफ 5 के सीरीज में काफी क्लोज गेम देखने को मिला, बट आखिरी में तेजस मेहरा ने हराया समीर अरोड़ा को और अपने नाम किए 1 लाख रुपए की धनराशि। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन टू तेजस। लीडर ईस्पोर्ट्स ने साइन कर लिया है माजिल को अपने वैलोरेंट रोस्टर में। हाल ही में माजिल ने वेलोसिटी गेमिंग छोड़ा था एंड नाउ ही इज इन द लीड ईस्पोर्ट्स। इस रोस्टर में हमको खेलते हुए नजर आएंगे सेंसी, लूसिया, गौरव, राफा, माजिल खुद और एक सबिन भी है जिनका नाम है साइबिल। ढेर सारी बधाई माजिल को इस नए बैनर के अंडर। जाने माने BGMI कंटेंट क्रिएटर पारस ऑफिशियल हाल ही में एक काफी दर्दनाक हमले के शिकार हुए। ये ऐसा क्यों हुआ उन्होंने एक वीडियो के जरिए बताया, जहां पे वो काफी जख्मी दिखे और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने आवाज उठाई थी उन लोगों के खिलाफ जो इन गेम पॉपुलैरिटी गलत तरीके से खरीदते हैं। इसके बाद उनको काफी सारे थ्रेट कॉल्स आने लगे डाकू विलन की तरफ से और उन्हीं कॉल्स पे उनका एड्रेस भी मांगा गया। हालांकि डाकू विलन ने ये सारे के सारे इल्जाम फिलहाल के लिए खारिज कर दिए हैं। गौर करने की बात यह है कि पिछले साल भी पारस ऑफिशियल ऐसे ही एक कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए थे, जहां पे उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के MLA और कांग्रेस लीडर निनोंग एरिंग के ऊपर रेशियल स्लर्स कस दिए थे, जिसके बाद उनको अरेस्ट भी किया गया था। ऑलराइट, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। आई है, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और साथ ही साथ फॉलो कर लीजिए पेंटाई स्पोर्ट्स को सारे सोशल हैंडल्स पर, बिकॉज वहां मिलने वाले हैं सबसे पहले अपडेट्स आपको
साथ ही साथ हम अब लोको पे भी हैं, तो लोको पे भी जाके हमें फॉलो कर लो और हमसे बातचीत करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करके हमसे बातचीत कर सकते हो। मैं मिलता हूँ वैसे आपको अगले हफ्ते एक और नए एपिसोड के साथ। चलते हैं, गुड बाय।